हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। आज का वेदर बहुत ही खूबसूरत है और बारिश आ रहा है, इसलिए सोचा एक व्लॉग ही स्टार्ट कर लूँ। और ये सुबह का व्यू है, बहुत ही खूबसूरत सा वेदर बना है, बारिश आ रहा है। और अभी मैं जा रही हूँ नहाने को, और मैंने नहा के अभी बेबी का कुछ कपड़ा था वो भी धो लिया और यहाँ पर सुखाने को रख दिया है। साथ में अभी बेबी के साथ थोड़ा खेल रही हूँ, हमारी इसना थोड़ी बदमाश हो गई है, थोड़ा रिएक्शन देती है, बहुत ही अच्छा लगता है उसके साथ ये सब करके, मुझे मस्ती लगता है। तो आज का एक्चुअली इतना कूल सा वेदर है, सो स्पेशल लंच हमने सोचा। तो स्पेशल लंच में हमने चिकन और पुलाव बनाने का सोचा। तो अभी मैं किचन आ गई हूँ, तो किचन में आके अभी मैंने ये चिकन बनाया, तैयार किया। ये चिकन मैंने देसी चिकन बनाया है और साथ में ये पुलाव। और अभी मैंने इसमें जो यूज़ किया वो केसर है। जब मैं कश्मीर गई थी घूमने को, तब वहाँ से मैंने ये लिया था। और गाइज़, ये जो आप डाइनिंग टेबल देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कभी खाते नहीं, मतलब अगर कोई गेस्ट आया तो ही यूज़ होता है, अदरवाइज़ हम लोग अपने रूम पे ही खाते हैं। हम मतलब रूम पे ही कंफर्टेबल फील करते हैं, छोटा सा टेबल में हस्बैंड और मैं वहाँ पे ही खा लेते हैं। और यहाँ पे एक बार मैं छत पे आई थी, सोचा था बारिश थोड़ा थम गया है तो बेबी का कपड़ा अगर ऊपर देती तो सूख जाता, पर मुझे वेदर को देखकर लग नहीं रहा है कि यहाँ पे अभी मतलब सूखने का जैसा चांसेस है, बिकॉज़ और एक बारिश आने का ही मुझे ऐसा फील हो रहा है। और यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे कैसे बारिश का पानी भी जम चुका है। और चलिए फिर मैं तो अपने रूम पे चली जाती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ इवनिंग को। हेलो गाइस, ये इवनिंग का व्यू है और देखिए कैसा सूखा सा हो गया है वेदर। तो ठीक है गाइस, अभी जाके मैं चाय बना के पीती हूँ। और ठीक है, आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।